ये यहाँ से मस्जिद के अंदर ही काउंटर है टिकट लेने का, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और फिर चलते हैं अपन सबसे ऊपर। ऊपर जाने के लिए टिकट जो है ये 50 रुपये का आपको लेना पड़ता है, 50 रुपये में आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता दें मीनार के ऊपर जाने के लिए रास्ता कहाँ से। आप मस्जिद के अंदर एक नंबर जो गेट पड़ेगा आपको, इस गेट के अंदर जाना है, इस गेट के अंदर से रास्ता जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। ये देखिए गेट के अंदर ही ये साइड में रास्ता है, यहाँ से अपन अंदर चलते हैं। ये छोटा सा गेट लगा हुआ है इसके अंदर और ये सीढ़ियाँ हैं कुछ इस तरह से। कितनी सीढ़ियाँ होंगी यार, अभी तो शायद छत पे पहुँचेंगे अपन ना। हाँ काफ़ी खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ। अभी हम यहाँ आ गए छत पर, मस्जिद के कॉर्नर पॉइंट कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लोगों ने नाम लिख दिए अपने, सलमान अनस पता नहीं क्या क्या, जो गलत चीज़ है ये चीज़ तो नहीं करना चाहिए। और यहाँ देखो ये मस्जिद के दीवार पर ही नाम लिख दिया, एराम आरिफ। दोस्तों एक चीज़ तो काफ़ी गलत लगी है, जो मस्जिदों की दीवारों पर अपने नाम लिखे लोगों ने, काफ़ी हरकतें की हैं, ये चीज़ तो नहीं करना चाहिए यार। कि आपके घर में दीवारें कम पड़ गई थी, जो मस्जिदों की दीवारें ख़राब करने के लिए आ जाते हैं लोग यहाँ पर। चलिए अब हम यहाँ पर छत पर पहुँच चुके हैं मस्जिद के। जूते यहाँ पर रखना पड़ेंगे, जूते की भी ठीक। यहाँ छत पर आने के बाद मस्जिद के आपको यहाँ पर ये बैठे मिलेंगे, आपसे पैसे लेंगे जूते रखने के लिए, 10 रुपये एक जोड़ के। अब चलिए हमने जूते रख दिया, मीनारे पे चलना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर छत पे आने के बाद ये देखिए आप कितना बड़ा गुंबद नज़र आ रहा है आपको। ये मस्जिद का गुंबद है, जो नीचे से खोखले दिखाई देते, ऊपर से देखें किस तरह से इसको बनाया गया है। और इसी के साइड में एक और बड़ा वाला गुंबद जो सेंटर वाला है, और इसके साइड में एक और है, तीन गुंबद है मेन। और इसी के साइड में फिर आप देखेंगे बाकी वो वाला मीनारा और ये वाला एक मीनारा सबसे ऊपर है। तो अभी हम इसके ऊपर जाने वाले हैं, ऊपर से नज़ारे देखेंगे। चलिए मीनारे के साइड में देखेंगे आप किस चीज़ से बना हुआ। तो देखिए एक पत्थर ये वाइट कलर का बीच में लगा हुआ, बाकी दोनों साइड ये लाल कलर का, इस तरह से पूरा ऊपर तक इन्होंने तराशा है ये डिज़ाइन डालने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे जीने तकरीबन 2 फीट लंबे होंगे, बाकी मतलब गेप इतना है कि बस एक बंदा जा सकता है एक बार में। और काफ़ी मोटी मोटी दीवारें, ये मोटा पिल्लर है भाई एक तरह से, और ये पूरी पत्थर की दीवार है, बस छोटी छोटी जालियाँ दी हैं इसके अंदर। हाँ मतलब एक बंदा आराम से जा सकता है बस यहाँ से। कुछ जालियाँ देखिए ये कि रोशनी आती रहेगी, हवा आती रहेगी जालियों से, ये फायदा है। यहाँ पर कुछ लाइट वाइट भी लगी हुई ताकि रोशनी हो रही है। काफ़ी गोल गोल घूम के जाना पड़ा रहा। हाँ बस चलते जाना, गोल गोल घूमते हुए जाना, हो सकता है थोड़ा बहुत चक्कर भी आ जाए आपको। मुझे तो थोड़ा बहुत आने लगे क्योंकि एक ही राउंड में आपको बार बार घूमना पड़ेगा ना, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ थोड़ी रोशनी है, यहाँ पर जाली है, जाली का गेट लगा हुआ है कुछ इस तरह से। तो काफ़ी शानदार है, रात भर ट्रेन में बैठूंगे और दिन भर मेट्रो में घूम रहे हैं, तो वैसे ही ऑलरेडी अपना माइंड झूल रहा है। और यहाँ पर मीनारे चढ़ चढ़ कर भी हाँफने लगे। चलिए पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट ऊपर। यहाँ से देखिए दोस्तों मीनारे के फर्स्ट ऊपर आने के बाद ये आखिरी हो जाता है, इसके ऊपर गुंबद है और ये मीनारे के सबसे लास्ट पर खड़ा हूँ। यहाँ पर जालियाँ लगा दी गई हैं ताकि लोग इसके बाहर ना जाएं। और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ, ये नीचे होज दिख रही है आपको, उसके नीचे घूमने वाले लोग कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये आप देखिए। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो पीछे साइड में लाल किला नज़र आएगा आपको, कि जो बॉर्डर्स की दीवारें दिख रहे हैं ना आपकी, लाल कलर की, लाल किले की दीवारें, मतलब लाल किला और जामा मस्जिद बिल्कुल जस्ट अपोजिट में एक दूसरे के सामने है। और बाकी चारों तरफ आप देखेंगे पूरी दिल्ली के, पुरानी दिल्ली है ये पूरी, दिल्ली 6। और इसके आसपास भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो यहाँ से काफ़ी हद तक एक दिल्ली का हिस्सा नज़र आता है आपको। दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी तेज़ हवा आ रही है, मतलब एक जो गर्मी जितनी हुई थी ना चढ़ने के अंदर, जितनी थकान हुई थी वो इस हवा खाने के बाद आपकी थकान ख़त्म हो जाएगी, इतनी शानदार हवा है। और अब नज़ारे देखिए पहले।
पैसे पड़ा हूँ यहाँ पर बहुत सारे। किस बात के लिए? वो जो लव मैरिज करती है ना वो डाल के जाती है। अच्छा, लव मैरिज करने वाले यहाँ पैसे डाल के जाते हैं। सर भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो ग्रिल देख रहे हैं आप, यहाँ पे चेंज हो चुकी है। इस पर पहले लोगों ने धागे बांध दिए थे, जैसे दरगाह मजारों पे बांधते हैं लोग। यार ये मस्जिद यार ये क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को। और चलिए दोस्तों घूम लिया यहाँ से, अब रिटर्न भी हो जाते हैं, वापस नीचे जाना पड़ेगा, काफ़ी नीचे उतरना है। अभी हम लोग आते टाइम में लेफ्ट साइड घूम रहे थे, अब सीधा राइट घूमना पड़ेगा। आपको यहाँ से उतरते टाइम थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, आपको ब्रेक होना चाहिए अच्छे से, वरना आपका अगर ब्रेक फेल हुआ तो सीधे नीचे जाकर रुक पाएंगे आप। और अभी हम आपको गिनकर दिखाने वाले हैं टोटल कितने जीने मीनारे के ऊपर से फरहान गिनता हुआ आ रहा है ऊपर से। तो दोस्तों ये मीनारा ऊपर से यहाँ तक मस्जिद के छत तक आने के लिए 120 जीने यहाँ तक आपको उतरना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेंगे। चलिए अब हमने जूते छुड़ा लिए हैं यहाँ से। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने आप लोगों से एक चीज़ की राय मांगी थी कि मैंने ताजुल मसाजिद के मीनारे के ऊपर का वीडियो बनाने के लिए आप लोगों से राय मांगी थी, तो जिसमें से ज़्यादातर सभी लोगों ने कहा था कि भाई वीडियो बनाओ, हम नज़ारे देखना चाहते हैं। तो यार उस टाइम हुआ गया लॉकडाउन में, जो डेट्स मैंने मांगी थी वहाँ से परमिशन, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आगे पीछे डेट्स हो गई थी तो जाना नहीं हो पाया। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपन बहुत जल्द वहाँ के भी आपको नज़ारे दिखाएंगे। आज तो हमने आपको यहाँ के नज़ारे दिखा दिए। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं जामा मस्जिद से, अब हमें जाना है सीधा नेहरू प्लेस पर और वहाँ पहुँचकर आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, जल्दी से मेट्रो पकड़ते हैं, ये जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशन से मिल जाएगी।